second time. First time मेरे total marks 342 आया था और cut off 389 था, इसमें मुझे marks आया 434 और cut off है 477. तो both the times I missed final marks. Important चीज़ ये है कि अब तो ये सच है आपका, over 10 years का span बीत गया दोनों exam के बीच में, finally unsuccessful. मेरा जो job है वो तो अलग बात है, पर ये सच है कि after 10 years span of time of 10 years I remain unsuccessful in this PSC examination. कट ऑफ बढ़ गया, नेचुरली कट ऑफ बढ़ेगा, समय के साथ कंपटीशन बढ़ता है, कट ऑफ बढ़ेगा. इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो हम बोलना चाह रहे हैं, तो ठीक है. अब ये वो समय होता है जब आपके वो लोग जिनको आप अच्छे नहीं लगते हैं वो इस मौके को बुनाते हैं, अब वो आपके अगेंस्ट वैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है. बहुत ख़राब वर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत बहुत ख़राब वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो इसका एक तरीका तो ये है कि पहले आप रुक के थोड़ा ये सोचते हैं कि जो आदमी आप पे कमेंट कर रहा है वो खुद क्या है. तो आपको पता चलेगा कि सिंपल सा बात है कि जो कुछ नहीं होता है वही किसी पे कमेंट करता है. हम आप इतना एक्सपीरियंस, इतना समय, इतना लाइफ देख ही चुके हैं कि समझते हैं कि अगर आप पे कोई गलत कमेंट कर रहा है या कोई गलत राय है आपके बारे में, तो सिंपल सा बात है कि फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल है, वो इतना परेशान है आपसे तभी आपके बारे में कुछ ख़राब बोल रहा है. फिर उसका वही तरीका होता है कि आप खुद देखिए कि वो क्या है, तो आपको पता चलेगा कि वो वैसा कुछ खास नहीं होता, इसी वजह से उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपके अगेंस्ट कमेंट के रूप में निकल के आता है. पर ये थोड़ा सा नेगेटिव बात हो जाती है. हम ऐसा क्यों सोचे भाई, वो उसका प्रॉब्लम, वो क्यों नहीं सक्सेस हुआ या क्या हुआ, या हम मन में ही सोचते हैं. एक्चुअली हम ह्यूमन हैं, मानव हैं, तो नेचुरल है कि हमारे अंदर ये बात आ ही जाता है कि हम अगर कोई हमको गाली दे रहा है तो एटलीस्ट हम उसको गाली पलट के नहीं देते हैं, पर एक बार ये तो सोच ही लेते हैं कि वो खुद क्या है दिमाग में. पर ये थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं. पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्या सोचे, क्या है, कोई आपको क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इट नेवर मैटर्स. इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये लाइफ मिला है तो आपको लाइफ तो जीना ही और साथ में सक्सेस भी पाना है. आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं होना, तो आगे बढ़ते जाना है इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो फिर इसके लिए क्या होगा कि आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा. आपके अगेंस्ट कितना भी गलत चीज़ें हो रही हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में अनसक्सेसफुल हैं, अपने जॉब में, या बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जो कि आपके बिल्कुल अगेंस्ट है बिल्कुल, लेकिन पर आपको परफॉर्म करना है आपको, क्योंकि आप इकलौते नहीं हैं. अभी एक सर हैं, रिस्पेक्टेड सर हैं, उनका इतना मोटिवेटिंग वर्ड्स मेरे लिए आया. वो बोले कि बेटा आज से 30-35 साल पहले उनका भी एग्जाम में छट गया था, उनके बाद किसी ड्रिलिंग से रिलेटेड मैकेनिकल समथिंग उनका जॉब हुआ, पर उन्होंने जॉब छोड़ दिया, उसके वो एज ए फिजिक्स फैकल्टी ज्वाइन की और वो आज इस देश के टॉप फैकल्टी हैं. तो थैंक्स फॉर हिज ग्रेट वर्ड्स. मतलब उनका वो जो सब मतलब इतना मोटिवेटिंग है मेरे लिए कि वो बता रहे हैं और वो बोले कि उनका बेटा सक्सेसफुल हुआ. वो कह रहे हैं कि नॉलेज कोई वेन में नहीं जाता है. वो बोले कि जो फ्लूड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स जो पढ़े वो सिविल इंजीनियरिंग में, वो उनको एज ए फिजिक्स फैकल्टी टॉप बनने में बहुत मदद किया. तो वो वही उनको बता रहे थे कि नॉलेज वेन में नहीं जाता. उनका कमेंट आया मेरे यूट्यूब पे कि मैनी मैनी थैंक्स टू सर, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट सर, आपके वर्ड्स बिल्कुल डायमंड की तरह मेरे लिए, मैनी मैनी थैंक्स सर. और वो बोले कि उनके बेटे का हुआ, तो कहने का सेंस है वो वही सिखा रहे थे हमको अपनी लाइफ कितने एक्सपीरियंस से कि आप टूट नहीं सकते, आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं. अगेन यू हैव टू बी मोटिवेटेड, अगेन यू हैव टू बी पॉजिटिव, अगेन आप दुगने ताकत से फिर जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उसमें लग जाएगी. एग्जाम में फेल या ये सब नहीं, मतलब दिस आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन योर फाइनल सक्सेस इन योर लाइफ. तो आपको इन सब चीज़ों से टूटना नहीं है. परेशानियाँ तो बहुत सारी आएंगी, हर किसी को आता है. तो फिर वही है कि कीप मोटिवेटेड, कीप योर मोरल हाई, कीप योर मूड अप और लगे रहिए वहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज है वहाँ लगे रहिए. तो इसे मेरी कहानी नहीं है, ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उन सब के लिए सेम कहानी है. तो डोंट फील डिप्रेस्ड, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है उसको यूज़ कीजिए. डोंट फील डीमोटिवेटेड, और अपने आसपास देखिए, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे. और उन लोगों को बिल्कुल छोड़, मतलब ठीक है उनके जो वर्ड्स जो आपके अगेंस्ट हैं वो आपका बुरा चाहे, मतलब एकदम वो चाह रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो और वो आपके अगेंस्ट ख़राब बोल रहे हैं, तो आप इतने उससे डिमोरलाइज मत फील कीजिए. उनके सब के जो अच्छे पॉइंट है उसको लीजिए और जो गलती आपने है उसमें चेंज लाइए. पर ये नहीं कि उनको पलट के जवाब दीजिए और ज़्यादा निगेटिव मत होइए. तो मेरे लिए जो है वही आपके लिए भी है, और जो मेरा समझ है वही हम आपसे शेयर करते हैं. वही, थैंक यू.